हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। और आप सभी का स्वागत करता हूँ ललित भाई के चैनल में। तो भाई बताना इंट्रो किसका है। तो क्या हाल है मेरे भाई के? तो भाई सबके हाल बढ़िया होंगे और मेरे भी हाल बढ़िया ही है। तो भाई आज का व्लॉग है बहुत ज्यादा ही अच्छा। लोग कभी खराब होते नहीं हमारे। तो आज हम जाने वाले हैं भाई डीसी। डीसी क्यों जाना है? तो काफी दिनों से हम सोच रहे थे कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो फाइनली भाई आज मैंने दिल पे पत्थर रख के उसको लेके जा रहा हूँ डीसी। तो भाई डीसी कभी भी जाए अपना लैपटॉप लेके, तो बहुत ही मतलब इस तरीके से जाए उसी बंदे पे जाए जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। नहीं तो अगर किसी को दे रहे हैं तो हर जगह सिग्नेचर करें, ठीक है? बहुत जगह सिग्नेचर करने पड़ते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहां कहां करने पड़ते हैं। अंजलि का गेमिंग लैपटॉप खराब हो गया, बताओ यार, ऐसी बात होती है अंजलि भाई। आपको दिखाती हूँ कहाँ से चल रहा है, पर ये है कि उसकी बॉडी खराब हो गई है। खर्चा अच्छा तगड़ा आने वाला है, तो बस अब वही है कि लकी जाएगा और फिर बाहर से वो ठीक करवा के लेके आएगा, क्योंकि इसका लैपटॉप भी वहीं पे है। तो अगर भैया ने बोला कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा पैनल चेंज करवाना है, मैं आपको दिखाती हूँ। और तो शायद उसका 10,000 के आसपास खर्चा है। अब देखते हैं, भैया अगर कम बोल देंगे तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि हमने ऑनलाइन भाई रेट चेक करा था तो 10,000 के करीब बॉडी थी। तो इसीलिए हमने बोला कि चलो पहले ऑफलाइन चेक कर लेते हैं, बाद में ऑनलाइन मंगाएंगे ना अंजलि भाई। तो अभी लकी जा रहा है, थोड़ी देर में चला जाएगा ना। थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मैंने अपना नाश्ता बना लिया है। तो ये भाई क्या नाश्ते में आज? तो आज है भाई वही लाई के लड्डू और ब्रेड। और लाई के लड्डू हम खत्म कर रहे हैं, थोड़े सी रह गए खत्म। मुझे तो याद ही नहीं रह गया था, अब मैंने आज देखा तो मेरे और चार ही लड्डू बाकी हैं। हाँ। चार ही है भाई। लकी इतना अच्छा है कि वो अपना नाश्ता खुद बना लेता है, मुझे बहुत कम ही बनाना पड़ता है इसका नाश्ता, और कभी कभी मेरे लिए बना देता है, बट मैं ज्यादा नाश्ते में खाती नहीं हूँ। तो मैं ब्रेड दूध पीऊंगी और मैं आपको दिखाती हूँ लैपटॉप का क्या हाल। चलो भाई पहले लैपटॉप को दिखा देता हूँ, क्योंकि दूध तो अभी एकदम गरम गरम है, तो मैं थोड़ा ठंडा दूध देता हूँ। ठीक है, सब कुछ ओपन ओपन है, सब कुछ ओपन है, ठीक है। पर ये है कि यहाँ से टूट गया है, तो यहाँ से दिक्कत देता है ना अंजलि भाई, ये ऐसे बंद बंद करने में कट कट करता है। तो इसीलिए यहाँ से धूल हुई जाके सारी जो मदरबोर्ड अदरबोर्ड है सब खराब हो जाएगी, इसी वजह से हम इसको ठीक करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। ये भाई अंजलि ने लैपटॉप अपनी खुद की यूट्यूब इनकम से खरीदा था। ये मेरा अंजलि सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप था, और ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं था, नहीं तो हम इस पर भी कॉन्टेंट बनाते की माय फर्स्ट ब्लॉगिंग, फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप। और पता नहीं कुछ लकी ऐसे खाने से लाया, बहुत ही सुंदर लग रहा है इसका पैकेजिंग, सुंदर है। हाँ। मैंने कहा टॉय भी है तो चलो लेके ही चलते हैं, देखते हैं। अभी खोलती हूँ, जान लगाएंगे यार, क्या कर रही है यार, जान तो नहीं। दांत से खोल देते थे ना, तो अभी भी दांत से खोलते हैं। इसमें टॉय है, दिखा दिखा कौन सा टॉय है जो लास्ट टाइम, और इसमें खाने वाला भी अजीब सा है, खाने वाला जब मैंने कल कल सा है, देखो कैसा है, टेस्ट बता। पर्पल इसे लिया है स्कूल में, फन फ्लिप खा लेते हैं ना, वैसा डिस्टर्ब चल भाई बढ़िया है। और हमारे टॉय में साइकिल है क्या? पता नहीं क्या है, दो बंदर जैसे हैं। बच्चों के टॉय भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं भाई, समझने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले तो ये आता था कि जिसको ना बनाना पड़ता था, वो मजा आता था, वो बड़ी बड़ा मजा आता था। ये क्या है, खेलना है क्या भी इनके साथ? ओ जैसे सीसो जैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर चला मैं उधर चला जाने का, ठीक है बच्चों के लिए बढ़िया है भाई, खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पे जाने की पूरी तैयारी हो गई है, मैंने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं और पहले भी पहन ही रहे, तो यहाँ पे हमने सब कुछ तैयार व्यार कर लिया और यहाँ पर मुझे बैग मिल गया है, बहुत भारी हो गया यार आज। जी हाँ, चल जाऊंगा तो क्या करेगी, बहुत सारा काम है, मेरे को याद नहीं करेगी, पूरी साफ सफाई, किचन साफ करना है, खाना बनाना है, कुछ और कुछ और कुछ कुछ लगा देगा तूने? नहीं भाई, ब्यूटी है लेकिन आज अली हुडी पहनी अच्छा लग रहा है, पहले तो पहने था मैंने, पहले मैंने नहा लिया है और पूरा घर साफ हो गया है, और आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ। तो अभी सबसे पहले मुझे भूख लगी है, तो खाने के लिए हम बनाएंगे, हम मालपुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम घोल लेते हैं, भूख आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बैटर है और इसको हमें घोलना है। अभी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर था, आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्रीमी शेड आ गया है। तो यहाँ पे तेल है, तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसमें डाल देंगे हम इसको, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूंगी ताकि ये नॉन स्टिक में बना रही हूँ ताकि ये चिपके ना, आराम से पलटे बस। तो अब ऐसे दो चम्मचों के बीच में इसको रख के इसका जो तेल है पूरा निकाल लें। पहला मालपुआ बनके तैयार है, इसको हम रख लेते हैं प्लेट में, कोई है नहीं तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ रहा है। पे वो अचार नहीं था, हमारे सारे मालपुए बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा आज का हमारा लंच तैयार है, ये करारे हुए हैं, ये जले नहीं है, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये जल गए हैं बट ये करारे हुए हैं, मुझे करारे ही पसंद है। तो मैं भी चलती हूँ, ओपन करती हूँ आज का अपना लंच और साथ में देखेंगे मम्मी का व्लॉग। आज का व्लॉग मम्मी का थोड़ा लेट आया है, बाय। तो भाई डीसी में आ चुका हूँ और अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दुकान ढूंढने में, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, चलो एक तो चक्कर लगाऊंगा तो मिल जाएगी। तो भाई अभी आ चुका हूँ, अभी थोड़ा सा काम रह गया है मेरे ख्याल से,
और देखता हूँ भाई दूसरे लैपटॉप का क्या करना पड़ेगा। पहले लैपटॉप वाली दुकान पर आया हूँ, अगर भैया ने ठीक कर दिया होगा तो जरूर आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये वाला ठीक हो गया लैपटॉप, तो इसका डिफेक्ट था। बाकी जो MI वाली है उसकी मैंने रैम ले ली है। भाई अगर कभी भी लैपटॉप ठीक करवाना हो तो DC में भाई एकदम सस्ते प्राइस में और एकदम सही करके देते थे लैपटॉप। बस जब लॉकडाउन ना हो तो भाई मुझे तो लग रहा था कि बहुत तगड़ा खर्चा आ जाएगा, पर MS वाले लैपटॉप इन्हें बहुत कम प्राइस में ठीक कर दिया। नहीं भी तो भाई 2 घंटे मेरा पूरा काम हो गया। एक पर ये है कि ये वाला लैपटॉप मैंने बहुत दिन से दे रखा था और इसके जो पार्ट्स है वही नहीं मिल रहे हैं, बाकी तो यार सारा काम हो गया हमारा। जी कृपा है भाई हम पर, जय गणेश जी जी भाई, इसीलिए हमारा काम हो गया। चलो कल आते हैं। तो अभी जस्ट लकी आया है और मैंने अभी ओट्स बना के ख़त्म किया है, यहाँ पे मैंने ओट्स खा लिया है और देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है नहीं हुआ है आज का। वो अभी पहरा धुल रहा है, ये रहा पीछे मुँह हाथ भाई पहरा। यार एक खुशखबरी भी और एक दुख की बात भी है, तो बता क्या सुनाऊं पहले दुख सुनाऊं तो तेरे 800 रुपए लग गए। 800 रुपए लग गए? 800 रुपए लगे, यही तेरी खुशखबरी है? अच्छा, यानी कि मेरा लैपटॉप हो गया होगा। तेरा आज से ना 1 साल पहले ना तुम्हारा मतलब एक लड़का भी लेकर आया था तो बोल मेरा भाई था, नहीं तो बोल रहा है उसके भी लैपटॉप में सेम यही दिक्कत थी। मैंने बोला कि भैया वो भी 2-3 लैपटॉप ठीक करवा के गए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा ये वाला लैपटॉप खराब था HP का। मैंने बोला भैया मेरा ही भाई था और क्या हमारे, तो भैया ने बोला चल कोई नहीं। पर भाई भैया की एक बात अच्छी लगी, भैया ने बताओ 6-7 दिन काम करा पर 1 रुपए नहीं लिए। भाई बोला देखो ठीक होता है तो हम 1500 रुपए लेते हैं, नहीं होता तो नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई जब आप ही का फायदा नहीं होता तो हम अपना फायदा करके। लैपटॉप लकी लेके गया था MI का, इसका मदरबोर्ड खराब है। अगर किसी को पता है कि कहां सही हो सकता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है? कोई कर सकता है तो वो भी बता सकते हैं भाई। हम तो और हमें तो कहीं भी से करवाना ही है सही। बस इसके अंदर देखो रैम तो होती नहीं है, पर भैया ने बोला कि SSD जो आपके काम में आ जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने Lenovo वाले लैपटॉप में लगा लूंगा। पर भाई जो भी बोला नहीं, मतलब इसकी दोस्तों मैं क्या बताऊँ, भैया ने बहुत पैसे बचा दिए हमारे इसका। मेरे को इतनी दिनों से इसकी परेशानी हो गई थी, मतलब पुराने लैपटॉप में से हमारे घर का सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है और सबसे महंगा भी लैपटॉप है। सबसे महंगा भी लैपटॉप है भाई। ओ ठीक है अंजलि भाई, ये तो चिपका दिया भैया ने ऐसे भाई। वो एक बात है, ये सब कुछ ठीक हो गया। आवाज क्लिप क्लिप नहीं करी ना? नहीं कुछ नहीं भाई, मैंने खोल के ऑन करके सब कुछ करके देख लिया भाई। पता है ये बात कैसा लगा भाई? ये तो बिल्कुल यहाँ से भैया ने सही कर दिया, स्मूथ हो गया, क्लिप क्लिप तो नहीं कर रहा ना, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। मैंने कम से कम नहीं भी तो 6-7 बार खोल के ऑन ऑफ करके स्पीकर चेक करके Wi-Fi चला के सब कुछ देख के लिया। हर जगह लकी लकी हो गई देख भाई। हाँ वो भाई देखो ये वाला लैपटॉप भी मैंने 3 जगह देखो यहाँ पे साइन करा, एक ठीक, फिर यहाँ साइन करा है, फिर यहाँ साइन करा है। इसलिए जरूरी होता है ना कि भाई कि आपके कोई मतलब जो पार्ट है वो चोरी ना हो, पर लैपटॉप के अंदर का तो भाई आपको खुद ही देखना पड़ेगा। पर अगर CPU ले जाते हैं तो उसके अंदर भी आप सारे पार्ट पे करते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, रैम हो गई, मदरबोर्ड, 3 चीज पे आप साइन करते हैं। तो अगर कोई साइन नहीं करवाते तो बोलो कि भाई मैं तेरे पास से काम नहीं करूंगा, ठीक है? कैसे अंजलि भाई, पता है इसको कितना लगने वाला था? अब मैंने मतलब हमें लग रहा था ना पूरा पैनल चेंज कराना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि अरे यार पैनल चेंज कराना है। तो जब मैंने देखी कि कितने रुपए का पैनल है तो मैंने एक बार ऑनलाइन चेक किया तो 10,000 रुपए का था। तो भैया ने तो क्या बोला कि यार देखो मतलब थोड़ा सा ना गेमिंग लैपटॉप है ना आपका, तो भैया ने मुझे पहले बताया कि थोड़ा सा ऊबर खाबड़ हो जाएगा, पर अगर आप मतलब गेम वेम खेलते हो तो इसके ऊपर आप ना कोई चिट विट लगा लेना, मतलब कोई लेमिनेशन लगवा लेना अच्छी सी। तो कोई नहीं भैया, 800 रुपए लग रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। मतलब 800 रुपए में तो ये ठीक हो गया, आवाज क्रिप भी नहीं कर रहा और धूल भी नहीं जा रही, साफ ऑफ भी कर क्योंकि हाँ धूल सबसे बड़ी बात थी कि इसके अंदर धूल जा रही थी जो हमारे बिल्कुल हाँ। और ऊपर से हम लोग बिहार में मिट्टी विट्टी का कितना काम होता है, तो मुझे लग रहा था मदरबोर्ड खराब हो जाएगी ना तो पूरी लैपटॉप की बैंड बच जाएगी, लेकिन बच गया मेरा लैपटॉप, सस्ते में काम हो गया, सस्ते में लिपट गए। अब 2-3 साल बाद देखेंगे, पहला गेमिंग लैपटॉप था फिर खरीदेंगे कभी। अब भाई देखो HP के लिए अगर किसी के पास HP बोल रहा हूँ मैं, अगर MI का लैपटॉप किसी के पास है भाई, नोटबुक 14 भाई, वो मुझे जरूर बताएं अगर मदरबोर्ड किसी के पास है या कोई भाई जुगाड़ करा सकते हो, जुगाड़ करा सकते बताना, क्योंकि ये अभी अंडर 5000 यार, ये 5000 नहीं, ये वाला लैपटॉप ना, ये लैपटॉप अभी लिया है हमने कुछ टाइम पहले, लकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था और लकी ने थोड़ा ही चलाया होगा कि गया थोड़ा भी 2-3 दिन, उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ है अभी तक। बस अंजलि 1 साल हो गया था, 1 साल चलाया तूने? चलाया मतलब 1 साल आए हुए हो गया, लेकिन चलाया तूने बहुत कम है ना, इस पे तो हमने एडिट भी नहीं की, इसको हमने ट्रैवल के लिए रखा था, ट्रैवल कि बहुत ही लाइट वेट है तो ट्रैवल के लिए बेस्ट है, एक तो मैकबुक हो जाता और एक ये हो जाता ट्रैवल के लिए,
एडिटिंग के लिए भी बहुत ही, देखो कितना लाइट है भाई। और ये मतलब ऐसा लैपटॉप है ना जो मैक को टक्कर देता है भाई आराम से। और पैसा भी अच्छा, पैसा भी ठीक है भाई। क्योंकि i7 आपको पूरे नेट पे ना कम से कम भाई भी तो 80,000। ये वाला जो लैपटॉप है ना जो मेरा है MSI का, जो देखो लैपटॉप लियो, तो ये दोनों लैपटॉप देख रहे हैं आप, ये इतना लाइट वेट है, वो दोनों हाथ से पकड़ना पड़ रहा है उसको। तो एक हाथ से भी डर लग रहा था ना गिर गिर जाए यार, बहुत हैवी है ये। मतलब ऐसा है ना कि आप एक उंगली से खोल सकते हो पर उसको आप एक उंगली से नहीं खोल सकते। तो मतलब हमने सोचा कि यार चलो हो गया तो बढ़िया है, या तो SSD और हार्ड ड्राइव दोनों लग जाएगी तो भी ठीक है, अगर नहीं लगी तो भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे कल।